सिया के राम का अस्तित्व नहीं है। हम लोग श्री राम वाले पार्टी नहीं है, हम लोग जय सियाराम वाले पार्टी। लाखों लोग आएंगे, 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख के आसपास। 23 नवंबर 2023 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10 लाख लोग जुटेंगे। सुनकर आपको भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये दावा जेल से बाहर निकले पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन ने किया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस रैली में लोगों को शामिल होने के लिए वो अभी से ही निमंत्रण बांटना शुरू कर चुके हैं। बेटी और बेटे के शादी करने के बाद आनंद मोहन अब पूरी तरीके से बिहार की सियासत में एक्टिव हो गए हैं। चुनाव भले ही आनंद मोहन नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़वाएंगे। कभी पत्नी के लिए तो कभी बेटे के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आनंद मोहन के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके विरोधी उनके खिलाफ कानून का सहारा लेने लगे हैं, आनंद मोहन का तेवर जनता के बीच में तल्ख होते दिख रहे हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने साफ कर दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, बल्कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं। भले ही उनके रिहाई के बाद से बिहार सहित देश भर में बवाल ही क्यों ना मचा हो, आनंद मोहन जेल से बाहर निकले तो भले ही मीडिया से दूरी बनाकर रखी, लेकिन अब वो खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात का सवाल हो या लालू यादव से मिलने का प्रश्न, हर सवाल का वो बाखूबी से जवाब देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी को खास तौर पर वो संदेश देते हुए दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने बता दिया कि ये जय श्री राम की भूमि नहीं है, बल्कि सिया राम कहने वाले लोगों की भूमि है और हम लोग सिया राम कहेंगे, क्योंकि ये मां जानकी की भूमि है। आपको बता दें कि जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, नीतीश सरकार ने उनकी रिहाई के लिए कानून में बदलाव किया और इस बात का देश भर में बीजेपी ने विरोध किया। खुद जिस मामले में आनंद मोहन जेल में सजा काट रहे थे उम्र कैद की, उस मामले में जो पीड़िता है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, मामला न्यायालय में है, लेकिन आनंद मोहन अपने तेवर से यह बता देना चाहते हैं कि न्यायालय से जो भी फैसला आएगा उसका वो सम्मान करेंगे, लेकिन उसके ठीक पहले जो आजादी उन्हें मिली हुई है उस आजादी को वो खुलकर जिएंगे। अपनी सियासत की जिंदगी में हर वो काम करेंगे जिससे उनके सियासत में उनके जो साथी हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको इसका लाभ मिले। आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया है और अभी से ही घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण बांट रहे हैं। आनंद मोहन देश के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जो जेल के अंदर रहे तो अपने अच्छे आचरण के लिए जाने गए और उनके इसी आचरण के वजह से उनको जेल से रिहाई तक दी गई, तो बाहर निकलते ही आनंद मोहन अपने सियासी कद को बढ़ाने में भी जुटे हुए हैं। आनंद मोहन सीधे तौर पर बिहार की सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। आनंद मोहन एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि आनंद मोहन अगर बिहार की सियासत में है तो वो पूरे मजबूती के साथ है, और गांधी मैदान को भरने का जो दावा किया गया है अगर वो सच होता है तो 23 नवंबर के बाद बिहार की सियासत के एक अलग ही तस्वीर निकल कर सामने आएगी। हालांकि राजपूत नेताओं को लेकर आनंद मोहन ने जो गोलबंदी की है, इसका फायदा किस गठबंधन दल को मिलेगा वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उनकी पत्नी और बेटे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, लेकिन आनंद मोहन अभी किसी भी दल में शामिल नहीं हुए हैं, वो अपना ही दल चला रहे थे। उनके फ्रेंड्स क्लब जो है वो अभी भी मौजूद है। अब देखना है कि आनंद मोहन जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो भाजपा के खिलाफ है, लेकिन वो महागठबंधन के पाले में कितना मजबूती से काम कर पाते हैं वो दिलचस्प होगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आनंद मोहन टारगेट करके अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। सिया के राम का अस्तित्व नहीं है। हम लोग श्री राम वाले पार्टी नहीं है, हम लोग जय सियाराम वाले पार्टी।
क्या लगता है वैशाली से चुनाव लड़ेगी की लवली आनंद जी? ये नहीं है अभी राजनीतिक। अच्छा जो रैली होने जा रही है उसमें कितने लाख लोग शामिल होंगे? क्या लगता है? लाखों लोग आएंगे, 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख के आसपास। अच्छा वो रैली किस और आपको लोग हर जगह प्यार करते हैं, आपका क्या लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों से, जहाँ जा रहे हैं स्नेह प्यार, और ये तो वो धरती है जहाँ पहली बार वर्ष 94 में लवली आनंद जी यहाँ से चुनाव में वैशाली से सांसद बनी थी। ये तो हम लोग की कर्मभूमि रही है। काफी लोग आपको प्यार करते हैं, जो लगातार जन समर्थन दिख रहा है। हम सबों को कहने आए हैं कि 23 नवंबर को पटना में गांधी मैदान में एक विराट रैली होगी, उसका आमंत्रण देने आए हैं। और आप लोग के माध्यम से अभी हम गए थे पचबीरवा, यहाँ जहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम था, और वहाँ देवादिदेव महादेव और हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा थी। क्या लगता है कितने उसमें हम लोग गए थे शामिल होने, और काफी विलम्ब से पहुंचे, लेकिन काफी लोग मौजूद थे। हमने मंच से कहा कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो हम बिहार वासियों को अपेक्षा है कि पुनौरा, जो सीता जी का प्राकट्य धाम है, वहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और इस बात को हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।